गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं सर्दियों के मौसम में तीसी के लड्डू, जिनके बड़े फायदे हैं। देखिए आज हम लोग तीनों मिलकर बनाते हैं। मैं तो खास मदद नहीं की, लेकिन मैं भी मदद की छुटकी को। हाय, गुड मॉर्निंग। ये है हमारी छुटकी जो अपनी बड़ी मम्मी से पूछ के, देखिए चटर 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 आवाज आ रहे हैं ना, वो भुंजा आ रहे हैं हमारे तीसी, जिसका हम लोग बनाएंगे कमी आसपन भुदी मेथी। जाड़े के दिनों में मेथी के लड्डू खाने से हमारे शरीर में गर्मी रहती है और हमें ठंड से बचाती है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी क्या करती हैं हम लोग। क्या कर रहा है बीनू? चावल क्या तैयार किए बीनू? ये शैतान अपने कामों में लगा है, जरूर कुछ कारनामा करने वाला है। देखिए गाइस, ये एकदम चटर 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 आवाज करके अच्छे से बुझा गए हैं। और तीसी के फायदे के कहने क्या मेरे दोस्तों, जानते हैं इसे सर्दियों में खाने से शरीर गर्माहट रहती है, घुटने के दर्द भी ठीक हो जाते हैं, बाल स्किन के लिए तो ये रामबाण इलाज है। हम लोग हैं ना कोड़ियापंती से थोड़े कूटे, उसके बाद मिक्सी में सारे पीस लिए हैं। हम लोग थोड़े कोड़ियापंती दिखा दिए। चावल का आटा, अब इसे भी अच्छे से भून रही है मेरी छुटकी। जानते हैं एक तीसी के मेथी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तीसी चाहिए, चावल की आटा चाहिए, गुड़ चाहिए, घी, तिल, काजू, किशमिश, मेथी के दाने। इसमें बताया कि तिल में बहुत सारे पीलू हो गए थे, तो फिर से हम लोग एक नए तिल मंगाए और उसे साफ की, और फिर मेरी माँ हमें दी, उसे सुखाना भी पड़ा, तिल को धोकर फिर भूंज कर डाले। कल का भूंजे थे मेरी छुटकी, तो कल घूमने चले गए थे ना, तो आज हमारे यहाँ तीसी की कुटाई आज हो रही है। देखिए तेल छोड़ रहा है धीरे धीरे, जब तीसी के मेथी बंधा जाएंगे तब दिखाएंगे। हाय छुटकी, छुटकी यही है हमारा काम काजी वाला परिवार। आप लोग तो हमेशा सोचते हो कि मैं कुछ नहीं करती, ये मैं हूँ, ये मेरे हाथ है और मैं कूट रही हूँ, कूट कूट कूट। रुकिए लाइट भी चालू कर देती हूँ। कूट कट 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 कट। देखिए यहाँ भी मोबाइल चालू है, सब मास्टर से हम लोग को बता रहे हैं किस तरह से बनेंगे। ये चावल के आटा में तीसी को हम लोग कूट के मिसने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद गुड़ भी, क्या होगा नीता, गुड़ का गुड़ डलाएगा, गुड़ डलाएगा तो कैसे पाक करके, गुड़ को पाक करेंगे। ये जो कोमल कोमल हाथ जो दिख रहा है ना, वो मेरी छुटकी के है, बोलती है ना नागपुर के और एक ही भोजपुर के हमारी छुटकी। और माँ कुछ डायलॉग नहीं मारती है, वो उसे लग रही है ना सहरा बानो, वो हमारी माँ है। और ये एमू तेड़ी तो क्या है पता नहीं, जय बहादुर। ये लोग एंटरटेनमेंट के साथ ही काम कर रही है। देखिए हमारे अब धीरे धीरे इतने अच्छे दिख रहे हैं, चावल और तीसी मिसाने के बाद मिसने। सो गाइस, तिल को मैंने भूंज कर रख ली है इसमें डालने के लिए। सो गाइस, खाने का भी टाइम हो गया था, इसलिए छुटकी अरबी के पत्ते के पकोड़े वाले सब्जी बना रहे थे। यदि आपको अरबी के पत्ते वाले पकोड़े वाले सब्जी देखना है तो वो बताइएगा, वो भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसके भी वीडियो बना चुकी हूँ, देख लीजिएगा, बहुत टेस्टी थे लेकिन सब्जी यम्मी। नहीं बेटा, अभी वो लड्डू बनेंगे तब। सो गाइस, ये घी हम लोग अपने घर में तैयार करते हैं, ये भी आप लोग यदि देखना चाहोगी तो मैं ये भी ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगी हमारे घर का। टीवी पे खाना खजाना देखती थी और देख के बोलती थी मुझसे हो जाएगा, बाद में मैंने एक ही चीज़ सीखा दर्शकों, मेरे दोस्तों जानते हो क्या, बस सब्जी को चॉपिंग करना, बस वही जाने और खाना बनाने ही नहीं सीखी। मेरी माँ
बहुत गुस्से में है ना, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती है, आज शनिवार का दिन है ना, मंदिर जाना है और उसे देर हो रही है ना, मुस्कुरा रही है मेरी बातों से, क्योंकि इसका काम ही है, मेरी काम ही है कि सबको हंसी चेहरे पे लाना, खिलखिलाना, मुस्कुराना। देखो वो देख रही है मुझे, आप सोच रहे फोन क्यों मिल रहे, वो मेरी हंसी थी, मैं थोड़ा भयानक आवाज में हंसती हूँ ना। ये उबाल आ चुके हैं गुड़ में, देखिए खलखलाता हुआ टिकटॉक टिकटॉक। अभी कितना देर खोलेगा? अरे अभी थोड़ा देर खोलेगा तभी जाके इतना जल्दी हो। सुन करो, अब इसका खोलना कोई जरूरी नहीं है, एकदम जानकार जैसा। अब इसका सुगंध आएगा घी के, अभी डाल दो माँ कटोरिया में का। खोलेगा तो पूरा आएगा भी नहीं, हाथ में थोड़ा सा लगाएंगे नहीं। बड़ी गर्म है, नहीं तो संभाल कर, अब भारी भी है। यहाँ रखो तो कलछुल दो, कलछुल देखिए, देखिए पता नहीं क्या देखिए, जब सना जाए तो देखिए। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ये हमारे बरगद की पेड़ माता आखिर छुटकी सकी नहीं, हमारी माता ने लिए हैं कमान अपने हाथों में। आप देखिए ये तो हाथ, क्या बोलूं मैं, घर की बड़ी बहू बोल के बच जाती हूँ, और इस लोग को खुश करते रहती हूँ कि आपकी वीडियो बन रहे हैं, तो इसीलिए मुझे काम नहीं कराती है इस लोग। देखो कैसा हो गया है, और पानी डालेगी ना तो एकदम पलक पलक करती है। इधर इधर आखिर हम उस मुकाम पर पहुंच ही गए, हमारे देखिए तिल की गोल गोल मेथी, जिसे जाड़ी में खाएंगे तो तन मन में चुस्ती फुर्ती जाग जाएंगे। हमारी माँ ने हमें सिखाई है, दिखाओ माँ। हाँ ये माँ देखो ना माँ, प्यारी माँ ये है। सो गाइस हमारे तीसी के लड्डू अब तैयार हो चुके हैं, खाने में तो एकदम टेस्टी है, देखने में भी एकदम सो यम्मी जैसे दिख रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कमेंट करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा।